का कायनात का सबसे बड़ा नमाजी सजदे में सर रख के कह रहा है फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ये जुमला जचता ही अली की जुबान से था। बिस्मिल्लाह बाबा जी, या अली। हक ही ये था कि ये जुमला अली जैसा अमीर कहता। अमीर ने कहा फुस्तो बे रब्बिल काबा। आज तक बाबा बशारत शाह जी, नजम शाह जी, तैयब शाह जी, 1400 साल गुजर गए, अभी तक अबरार शाह जी दुनिया अली बादशाह के इस जुमले को नहीं भूल पाई कि ऐसा भी नमाजी होता है जो मुसल्ले पे जख्मी सर के साथ कहे फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अली की नजरें कूफे की मस्जिद पे नहीं थी, अली की नजरें अपने कातिल पे नहीं थी, अली की नजर अपने आखिरी दुश्मन के चेहरे पे थी। अली ने जुमला कहा, कातिल के हाथ से तलवार गिर गई कि मैं कत्ल करके भी नाकाम हुआ, ये सजदा करके भी कामयाब। बिस्मिल्लाह बादशाह हुसैन, कातिल के हाथ से तलवार गिर गई, मुसल्ले की जीन पे सवार था अबू तालिब का बेटा, ऐसी हालत नमाज में खुतबे की तलवार से जंग लड़ी, एक ही जुमले से कातिल का सर काट दिया। अब लाहौर है, बाटापुर है, मेरे सामने चुनीदा मुल्क का मजमा है। कातिल आया था अली को इबादत से निकालने के लिए। कातिल चाहता था कि मैंने अली का कत्ल मैदान में नहीं करना, मस्जिद के दरवाजे पे नहीं करना, मैंने अली का कत्ल करना है मुसल्ले पे। मैं अली का मुसल्ले पे कत्ल करूंगा, क्यामत तक के लिए कोई भी नमाजी मुसल्ले पे आ नहीं सकेगा। मैं इबादत से अली निकाल दूंगा, मैं मुसल्ले से अली निकाल दूंगा। अली का लहू मुसल्ले पे गिरा। अली ने कहा, देख नमाज मैंने तुझे बचाया है, मैंने सजदे से सर नहीं उठाया, मैंने सर दे दिया, तेरा सजदा नहीं छोड़ा। मुसल्ले ने अली की जख्मी छबी का पोछा लेके कहा, और कायनात का नमाजी, तेरे सजदे की कसम, मैं भी क़यामत तक वो नमाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी जिसके दिल में अली नहीं हो। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर, तूने रखी है, तूने रख दी मेरी लाज। सजदे ने अली की पेशानी का बोसा लिया, शायद भाई सजदे ने का हक मकरूज कर दिया। अली तूने इबादत को, तूने मुझे नहीं छोड़ा, जा मेरा भी वादा है कबूल ही मुसल्ले पे तेरा नौकर करूंगी। मुसल्ले ने अली के कदम चूम के कहा, 19 रमजान की सुबह है, वादा मैं भी तेरे कदमों में कर रहा हूं, अगर कोई भूला भटका तेरा दुश्मन मेरे मुसल्ले पे आ भी गया, लानत के बगैर वापस भेजूंगी नहीं। अब अली छोड़ के बंदा अल्लाह राजी करे, मुसल्ला होने नहीं देता। बंदा अली छोड़ के कुरान पढ़े, कुरान समझ में नहीं आता। रमजान के महीने में बंदे दो ही काम करते हैं, या अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं या अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। नमाज भी अली के दुश्मन को कबूल नहीं करती, कुरान भी अली के मुनकर को कबूल नहीं करती। अली का दुश्मन दिल में अली की दुश्मनी रख के कुरान पढ़े, बल्कि कुरान के बारे में कार फालमदीन का जुमला है, उसका कुरान हाथों पे आके कारी का चेहरा देखता है। जितनी मार्फत होती है उतने मानी उगलता है। शौकत भाई बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, कोई मुझे बंदा कहे कि अपनी पूरी जिंदगी की तकरीर रख, मैं उस्ताद मनीर न्याजी का अगला जुमला अगले पलड़े पर रखूं और अपनी तकरीर तोल के उस्ताद मनीर न्याजी को दे दूं। कितना खूबसूरत जुमला कहा उसने, कहा कुरान की आयतें इतनी हसीन है ये बेजमीर चेहरों से पर्दा करती है। इतना खूबसूरत है अल्लाह का कलाम। बाबा जी मौला जिंदगी करे, बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, सखी हुसैन किसी का मोहताज। सारे बोला, हाथ उठा के बोला, हैदरी। वाह वाह
कुरान की आयतें इतनी खूबसूरत हैं, अल्लाह ये सब कबूल करे। नबी की बेटी हमेशा अपनी दहलीज पे नौकरी दे, ये छुप जाती हैं। जो ही बेजमीर कुरान उठाता है, आयतें अपने ही पर्दों में छुप जाती हैं। आयतें ढूंढनी है तो दिल में विलायत अली की रोशनी रख, ना ये फजाइल की रात ना ये नारों की रात। पूरा साल है दाद लेने के लिए, पूरा साल है खताबत के जौहर दिखाने के लिए। आज जो सारे पुरसा की खातर, ये आज पुरसे के साथ, आज है तजदीद अहद, आज है अली से इफाए अहद, आज है अली से वादे की रात। या अली तूने मुसल्ले पे सर सजदे में दिया, तेरे नौकर तुझसे वादा करने आए हैं, ना तुझे छोड़ेंगे ना मुसल्ला छोड़ेंगे। वादा है हमारा तुझे या अली, ना हम मुसल्ला छोड़ेंगे ना हम तुझे छोड़ेंगे, हम तेरी दी हुई आखिरी खैरात भी कबूल करते हैं। मेरे मालिक तेरी कामयाबी की दलील है तेरे नौकरों के सजदे। जब तक अल्लाह को सजदे होते रहेंगे, अली की कामयाबी की दलील बनती रहेगी। अली और अल्लाह के दरमियान 19 रमजान की सुबह माहिदा तय पा गया। अली तूने मेरी नमाज बचाई, मैं वादा करता हूँ नमाज ही वो कबूल करूंगा जो तेरी मोहब्बत के साथ आएगी। अली ने फरमाया मैं नौकरी वो कबूल करूंगा जो तेरी नमाज के साथ आएगा। आज है तजदीद अहद, आज है अली से वादा वफाई। आज के दिन अली से वादा करना, या अली हम तेरी विलायत नहीं छोड़ेंगे। विलायत अमीर अल मोमिनीन तन्हा होने का नाम है। दुनियादारी में ताल्लुक भी हो, लोगों से सलाम दुआ भी बेहतर हो, लोग आपसे ताल्लुकात भी रखें, लोग आपको खानों पे भी बुलाएं, लोग आपकी इज्जत भी करें, लोग आपको प्रोटोकॉल भी दें और आपके दिल में अली भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अली रखने के लिए दुनिया को छोड़ना पड़ता है, मुनाफकत को हमेशा के लिए खैर बात कहना पड़ता है, दोस्तियां अली की वजह से करनी पड़ती हैं, दुश्मनियां अली की वजह से करनी पड़ती हैं। मैं बानी हूं आज की इस मजलिस का, मेजबान हूं। मेरा जी चाहता है पुरसे की रात ना होती, लाहौर में अक्सर जगहों पे मालिक के हजूर हाजिर ना होती, पूरी रात भी मातमियों के पाओं की धूल को चाटता, आपको पानी पिलाता, आपको लंगर करवाता। इतना बड़ा अजर है हुसैन के अजादार की नौकरी करना। कमर भाई मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, यूं मिंबर पे तुम्हारा जाकर बन के नहीं, तुम्हारा खादम बन के हाथ बांध के कह रहा हूं, शौकत भाई से लेके आखिरी बंदे तक सारी दुनिया तुम्हें अली के लिए छोड़ दे, बेशक दुनिया को छोड़ देना। इतना मुश्किल है अली अन वलीउल्लाह, बंदों ने अली अन वलीउल्लाह के पीछे मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया। जनाजा छोड़ा है लोगों ने, सिर्फ अली अन वलीउल्लाह के। सवा लाख बंदे थे गदीर के मैदान में, 11 आए जहरा के बाबे के जनाजे पे। बाबे के जनाजे पे बैठी हुई नबी की अकलौती बेटी ने अली की कलाई थाम के कहा था, या अली तेरी विलायत की कसम, तेरी विलायत की खातिर मेरा बाबा गुर्बत की हालत में जा रहा है। लोगों ने नबी का जनाजा छोड़ दिया। इतनी दुश्मनी थी लोगों के दिल में अली की, अली उन वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने जहरा का घर जला दिया। आज हमें कोई गाली दे अली उन वलीउल्लाह की वजह से तो हम सीख पा हो जाए। आज हमें कोई फेसबुक पे, कोई गली में, कोई मोहल्ले में, कोई सोशल मीडिया पे, कोई तकरीर में, तहरीर में अली की वजह से गाली दे तो हम घबराएं, क्यों घबराएं। चार घंटे खड़ी रही है अली वलीउल्लाह की खातिर। बशारत शाह जी मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैं एक लम्हे के लिए सोचूं मुझे अपने आप से ही शर्मिंदगी होती है कि हम अली के सिर्फ विलायत अली का नाम लेने की वजह से इतनी दुश्मनियां लेते हैं और हम घबरा जाते हैं। अली उन वलीउल्लाह की खातर लोगों ने दरवाजे पे आके मारा है मोहम्मद की बेटी को। जिशान बादशाह हुसैन ये रोना कबूल करे,
علی ان ولی اللہ کی خاطر گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے ابھی کی بیٹی. میرے بعد سے ہم جیسے بھی ہیں ہم گناہگار ہیں, ہم ہیں تیرے مولا, ہم سے سب کچھ لے لینا, اپنی ولایت نہ لینا. بھوکے گزارا کر لیں گے, پیاسے گزارا کر لیں گے, اولاد دے دیں گے, گھر دے دیں گے. یا علی ہمارے پاس آخری آس تیری ولایت ہے. میرا مالک ہمیں اپنی ولایت پہ قائم رکھا, پردیس میں یتیم کر دی ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹی. شہادت میں نے نہیں پڑھنی, درد میں نے کوئی نہیں چھیڑنا. ساری رات کا پرسہ, کل والے سارے دن کا پرسہ, اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے. پورے ملک میں یہ حسین کے عزاداریوں پہ جاتا ہے, محمد کی بیٹی کی صف پہ جاتا ہے, سارے ملک سے ماتمی آئے ہیں. میں صرف ایک منت کروں گا, ایک وعدہ لوں گا تم سے, میں ممبر چھوڑوں گا. اگر تم میں سے کوئی بھی اپنی بہنوں سے ناراض ہے, تمہیں علی کے جنازے کا واسطہ, بہنوں سے ناراض نہ رہنا. بہنوں کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں, بہنوں کو پیک کے گھروں پہ بڑے مان ہوتے ہیں, ان کی طاقت ہی ان کے بھائی ہوتے ہیں. غریب سے غریب بھائی ریڑی بھی لگاتا ہوں نا, وہ قرض لے کے بہن کو عید دینے جائے, بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر, تیری جوانی کی قسم مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, تو چل کے آ گیا میری عید ہو گئی ہے, تو یہ پیسے اپنی جیب میں رکھ, میں اپنے گھر میں بتا دوں گی وہ عید دے کے گیا ہے, میں تیری غربت میں پردے ڈال دوں گی, بس اتنا وعدہ کر, آیا ضرور کر. مجھے بڑی تسلی ہو جاتی ہے بہنوں کو جب بھائی بہن کے دروازے پہ آتے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن, بہنوں کی طاقت بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس سے زیادہ نہ میں نے پڑھنا ہے نہ تو نے سننا ہے. ایک دعا منگواؤں گا, بہنوں بیٹیوں سے آمین کرواؤں گا, اور میں ممبر چھوڑوں گا. عید قریب ہو, کسی بیٹی کا پے کے گھر والا مان نہ ٹوٹے. عید والا دن تھا, زینب کو عید بابے کے بعد آ گئی, پہلی عید زینب کو پردیس میں آئی. حسن نے سر پہ بابے علی والا امامہ رکھا, حسن زینب کے حجرے میں گئے, رو کے کہے زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے, تیرا بھائی بن کے نہیں تیرا بابا بن کے آیا ہوں. زینب تو کچھ مانگ میں تجھے دوں. زینب مصلی سے اٹھی, علی کے گلے میں باہیں ڈالی حسن کے, حسن کی داڑھی چون کے کہتی تیری جوانی کی قسم ہے, میں نے تو زندگی میں بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا تھا. حسن رو کے کہے پھر میری حسرت ہے, تو کچھ مانگے میں تجھے دوں. رو کے دے میں مانگوں تو دے گا. حسن رو کے دے میرا وعدہ ہوا. شبیر کے سر پہ حسن نے ہاتھ رکھا, رو کے کہے میں حسین زامن دیتا ہوں, تو جو مانگے گی میں دوں گا. آخری جملہ پڑھوں اور ممبر چھوڑوں. حسن کے گلے میں باہے ڈالی, رو کر پھر میری منت ہے, ایک بار غازی سے کہے میرے بابے علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں چل کے دکھائے, میں عباس کو چلتا ہوا دیکھوں گی, مجھے میرا بابا یاد آئے گا. آج 9 راتیں ہو گئی میں نے اپنا بابا نہیں. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.